उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन इस पंडाल में हो रहा है और आज कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप सभी खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारे मध्य विराजमान महान संतों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जा रहा है मंगलाचरण और मंत्रोच्चार के साथ। अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से हमारे परम पूज्य संत जनों का सम्मान करते हुए मंत्रोच्चार और मंगलाचरण के साथ शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आस्था और आध्यात्म माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर शुभागमन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर हुआ है, जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन मंच पर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आपका स्वागत है। पूज्य विजय कौशल महाराज जी, साध्वी रितंभरा जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय श्री शैलजा कांत जी, माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी और सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हैं। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बांके बिहारी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। हरे स्वस्ते नाभा भोगा
मंगलाचरण और मंत्रोच्चार के साथ आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से वृंदावन धाम में मनाया जा रहा है और हम सब अति सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन श्री रमेश अग्रवाल एवं श्री पद्मेश गुप्ता जी अपने करकमलों के माध्यम से करें। कृपया स्वागत की यह प्रक्रिया शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन श्री रमेश अग्रवाल जी एवं श्री पद्मेश गुप्ता जी। ये अन्नपूर्णा भवन का एक चित्र है जिसका अभी कुछ क्षण पूर्व माननीय जी अपने शुभ करकमलों से लोकार्पण करके आए हैं। आप सभी की जोरदार तालियां। अंग वस्त्र स्वागत अभिनंदन। पूज्य विजय कौशल महाराज जी का स्वागत श्री घनश्याम अग्रवाल जी एवं श्री महावीर मंगल जी। मैं शीघ्रता से नाम पुकार रही हूं, कृपया आप सभी मंच पर आ जाएं। श्री घनश्याम अग्रवाल जी एवं श्री महावीर मंगल जी, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, श्रीमती सरला गर्ग जी एवं श्रीमती सुमन गुप्ता जी आप सम्मान करेंगे। साध्वी रितंभरा जी हम सबके मध्य हैं। श्री राकेश जी एवं श्री अमर अग्रवाल जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का साध्वी रितंभरा जी का सम्मान, श्रीमती सरला गर्ग जी एवं श्रीमती सुमन गुप्ता जी कृपया शीघ्रता से इस सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आप सबसे निवेदन है। आचार्य श्री बालकृष्ण जी के सम्मान के लिए श्री राकेश जी एवं श्री अमर अग्रवाल जी कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। माननीय श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के अभिनंदन के लिए श्री विनोद लाड जी एवं श्री मनोज गोयल जी, माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के अभिनंदन के लिए श्री विनोद लाड जी एवं श्री मनोज गोयल जी। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे मध्य हैं, आपके अभिनंदन हेतु शंभू जी गोविंदपुर से और राजकुमार सराफ सूरत से। माननीय श्री जयवीर सिंह जी के अभिनंदन के लिए श्री सीताराम अग्रवाल जी एवं श्री रामकृष्ण जी, अपना नाम सुनते ही शीघ्रता से मंच पर पधारें। माननीय श्री जयवीर सिंह जी के लिए श्री सीताराम अग्रवाल जी एवं श्री रामकृष्ण जी। माननीय श्री शैलजा कांत जी के अभिनंदन के लिए श्री श्रीनिवास खेड़िया जी एवं श्री कैलाश अग्रवाल जी। माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी के अभिनंदन के लिए श्री हरिमोहन मित्तल जी एवं कुलदीप शर्मा जी। महापौर जी के अभिनंदन के लिए श्री राकेश बिंदल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष के अभिनंदन के लिए श्री उमेश बंसल जी और महेश गुप्ता जी। आप सभी जितने भी हमारे यहाँ भक्तजन और दर्शकगण बैठे हैं, हमारे मंचासीन अतिथियों के सम्मान के लिए अपनी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक प्रेषित कर सकते हैं। जितने भी सम्मान करने वाले यहाँ पर महानुभाव हैं, उनसे निवेदन करूँगी कि शीघ्रता से सम्मान प्रक्रिया को यहाँ संपूर्ण करें, संपन्न करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही आदर के साथ। श्री शैलजा कांत मिश्र जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को उद्बोधन और योजना के विवरण के लिए आमंत्रित करूंगी। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य विषय कौशल जी महाराज, पूज्य दीदी माँ, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, प्रदेश सरकार के आदरणीय मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री जयवीर सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री श्रीकांत शर्मा जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, शेख श्याम जी, नारायण दास जी, उपस्थित संत समाज, देवियों और सज्जनों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 25वीं बार व्रज की धरा पे आए हैं औपचारिक रूप से। उनके आगमन की रजत जयंती है ये,
और हमें उम्मीद है कि ये रजत जयंती कालांतर में हीरक जयंती में बदलेगी। जो उपहार अब तक व्रज भूमि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनमें एक उपहार आज और जुड़ रहा है। थोड़ी सी भूमिका उसकी मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं, वैष्णो देवी में प्रतिवर्ष 80 लाख लोग जाते हैं दर्शन करने, ताजमहल प्रतिवर्ष 80 लाख लोग जाते हैं देखने। और एक औपचारिक हमने आकलन करवाया, ब्रज क्षेत्र में प्रतिवर्ष 3.25 करोड़ लोग आते हैं यहाँ अतिथि के रूप में, 3.5 गुना अधिक। और ये जो लोग आते हैं ये भक्ति भाव से तो बड़े संपन्न हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न हैं। और कोई 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे एक दिन कहा कि कम से कम वृंदावन जो ये अतिथि आ रहे हैं इनके लिए सुविधा के साथ, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ इनके भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा। 3 शब्द थे, सुविधा, सत्कार और सम्मान। अब इस पे नगर निगम ने भूमि दे दी हमें, जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए, अन्नपूर्णा भवन बन के खड़ा हो गया। और ये भवन बनने के बाद समस्या ये सामने आई, संचालन कौन करेगा इसका, क्योंकि खाली उसकी सज्जा में, एयर कंडीशनर लगाने में, उसके अंदर रसोई किचन बनाने में, फर्नीचर लगाने में करीब 2 करोड़ रुपए का व्यय आना था, और प्रतिदिन 1 लाख रुपए का खर्चा अतिथियों को भोजन कराने में। हमें लगा एक विज्ञापन करेंगे, इस देश में बड़े भामाशाह हैं वो सब आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी लोगों की। विज्ञापन किया गया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस देश से कुल 1 संस्था सामने आई, मंगलमय न्यास परिवार, अकेली संस्था। ये सारा भोजन निःशुल्क कराना था, विजय कौशल जी महाराज की अध्यक्षता में मंगलमय न्यास ने ये बीड़ा उठाया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, सामने जो लोग विराजते हैं लगभग 1000 की संख्या है इनकी, इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। एक दिन विजय कौशल जी महाराज के आश्रम में चर्चा हो रही थी कि नया घाट एक बनना चाहिए यमुना जी के तट पे वृंदावन में। सामने साधारण से व्यक्ति थे, बोले कितना खर्चा आएगा, हमने कहा 6-7 करोड़ लगेगा, बोले हम दे देंगे। अग्रवाल समाज मुंबई का 6 करोड़ 1 लाख की लागत से वृंदावन में नया घाट बनवाने वाला है, और यहां बैठे हुए लोगों में सच बात तो यह है कि आज भगवान श्री कृष्ण का ऐसा बताते हैं कि 5249वां जन्मदिन है, और आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकल्प का उद्घाटन किया है और जिस भाव से भरे हुए आप सब यहाँ विराजते हैं, मुझे लगता है कि राधा रानी कोई नया चमत्कार नियोजित करने जा रही हैं इस ब्रज भूमि पे। पूज्य देवरा बाबा कहते थे मुझसे, मेरे गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले, कि यमुना के तट का जो ये क्षेत्र है वृंदावन का, ये गोलोक है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजते हैं नित्य, उनका निज धाम है, घर है ये। और पूज्य विजय कौशल जी महाराज बार बार कहते हैं कि उनके इस निज धाम में, घर में प्रवेश वही करेगा जो उनका भक्त होगा, जिस पे उनकी कृपा होगी, जिसको आमंत्रण मिलेगा। भगवान के निज धाम में, उनके घर में आने वाले अतिथियों को, भूखे भक्तों को भोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मुझे तो नहीं दिखता इससे बड़ा कोई पुण्य हम कर सकते हैं सनातन धर्मी। और इसलिए मैं बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिन्होंने अपनी अनुकंपा से, उस अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने अनुग्रह से, हम अपने आशीर्वाद से, और मंगलमय न्यास विजय कौशल जी महाराज जिन्होंने अपने सहयोग से उत्तर प्रदेश व्रज तीर्थ विकास परिषद को इस पुण्य का भागीदार बनाया है। मैं कृतज्ञ हूँ परिषद की ओर से, जनपद के सारे अधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से, और निजी रूप से भी कृतज्ञ हूँ, अभिभूत हैं। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखें, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
अब मैं बहुत ही आदर के साथ करबद्ध निवेदन करूंगी, हमारे मध्य हैं परम पूज्य श्री श्री विजय कौशल जी, आपसे निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री। आप सभी बंधुओं को बहनों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगलमयी बधाई स्वीकार करें। बहुत कम समय में कार्यक्रम पूरा होना है, चूंकि कार्यक्रम देर से प्रारंभ हुआ, मैं सीधे ही निवेदन करता हूं। उज्ज्वल और समर्थ भारत की आशा विश्वास हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान संकल्पवान माननीय मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके हृदय की संवेदना से ये रसोई का प्रकल्प प्रकट हुआ। ये दो पीड़ाएं हमको सताती थी, ब्रज हमारा गरीब है, ब्रज के सैकड़ों नहीं हजारों गांव में उड़ीसा के बंगाल के देश के मणिपुर तक के साधु कुटिया बना बना कर भजन करते हैं, मधुकरी से जीवन जीते हैं, मधुकरी मिल जाती है लेकिन प्राण बहुत कठिनाई से निकलते हैं, चूँकि बीमारी की कोई चिकित्सा की व्यवस्था उचित उनके लिए नहीं है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के डॉक्टर कपिल त्यागी जी यहाँ बैठे होंगे, अर्थात हॉस्पिटल के मालिक, उनकी प्रेरणा से लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सालय बन रहा है, गरुड़ गोविंद जी के मंदिर के पास बन रहा है। अगले वर्ष इन्हीं दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से करेंगे। एक दूसरी पीड़ा सताती थी कि यात्री आता है गरीब गांव का, चंदा करके बस लेकर आता है, दाल चावल बांध के लाता है, जहां तहां बसें खड़ी करता है, अपना दाल चावल उबालता है, कूड़ा मिल गया तो हो गया, नहीं तो वो भी गई गाड़ी, ईंट है पत्थर है चूल्हा कैसे बनाए, अगर ये हो भी गया तो फिर वर्षा है, वर्षा ने भी कृपा कर दी तो कुत्ते हैं बंदर है, बहुत प्रकार की समस्याएं थी। तो ये मेरी पीड़ा थी कि आने वाले जो आदरणीय शैलजा गांधी ने कहा कि ये ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार ही आता है, भक्त नहीं उनका निजी रिश्तेदार आता है, आपके घर में अपरिचित प्रवेश नहीं कर सकता, तो जो उनसे परिचित होगा वही आएगा, और उनको भोजन की फजीयत करनी पड़े। पूज्य महाराज श्री ने अपने करुणा भरे हृदय से और एक भवन बनाकर दिया है, हमारे न्यास को ये जिम्मेदारी सौंपी है। आपके आशीर्वाद से, मुझे दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए कि ये सेवा का कार्य बहुत आनंद से चले और ये देश का मॉडल बने। पूज्य दीदी माँ विराजमान है आज आशीर्वाद देने के लिए, जिनकी ओजस्वी वाणी ने देश की एक धारा को बदल दिया, एक सोच को बदल दिया, सारे देश के नौजवानों में एक राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भरी। ऐसी पूज्य दीदी माँ, सारा विश्व जिनको दीदी माँ कहता है, मैं तो दीदी ही कहता हूँ लेकिन सारा विश्व का हिंदू जिनको दीदी माँ कहकर आदर से पुकारता है, उनका आशीर्वाद आज हमको मिलेगा। बहुत विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, चरक को मैंने देखा नहीं, महर्षि चरक मैंने देखे नहीं, ग्रंथों में पढ़े हैं, लेकिन चरक पुनः अवतार लेकर आचार्य बालकृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और मैं ये जानता हूँ, मेरी बहुत निकटता है, शायद चरक भी इतनी वनस्पतियों के गुण धर्म नहीं जानते होंगे, पूज्य आचार्य जी जानते हैं, आज उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस समय हमारे पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी आशीर्वचन हमको सबको मिलेगा। हमारे मथुरा के बड़े लोकप्रिय मंत्री और प्रारंभ से छात्र नेता के रूप में जिनकी बड़ी ख्याति रही, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनका भी आशीर्वचन हमको मिलेगा। हमारे अतिशय प्रिय, वे भी हमको प्रेम करते हैं, प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, वे विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। हमारे मथुरा वृंदावन के लाडले विधायक, हम सबके बहुत प्रिय बहुत लाडले श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी का भी हमको और शुभकामनाएं मिलेंगी।
हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी विराजमान हैं, श्रीमान अमर अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ शासन के बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, बड़ा पुराना संघ परिवार है, बड़ी समाज सेवा करते हैं, वो भी यहाँ विराजमान। ऐसे बहुत से बंधु मंच पर, हमारे सभी विधायक, मथुरा के सभी जो गणमान्य पदाधिकारी मेयर साहब हैं, सभी बंधु पूज्य संत चरण वृंदावन की निधि, वृंदावन के गौरव, वृंदावन का सम्मान, जिनके कारण से वृंदावन जाना जाता है, ऐसे हमारे बाबा जी बैठे हैं, फुल्लोल्ला जी महाराज बैठे हैं, तो सभी के नाम लूंगा, देर होगी तो सभी पूज्य संत चरण विशिष्ट जन। और मंगलमय परिवार न्यास से पूज्य महाराज जी, इसमें किसी से चंदा नहीं लिया गया, मंगलमय परिवार न्यास के जो सदस्य थे उन्होंने इतना दे दिया कि 10 साल तक कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आप मंगलमय परिवार से जुड़े सभी बंधुओं को, बहनों को इस वृंदावन की पावन भूमि पर इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार परम पूज्य महाराज जी। इसके बाद मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगी। हमारे मध्य माननीय श्री जयवीर सिंह जी हैं, माननीय पर्यटन मंत्री, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अवसर पर और इस ऐतिहासिक क्षण में ऐतिहासिक स्थल पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनको हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण के लिए इन्हीं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और हमारे भगवान की कृपा है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के लोक कल्याण के लिए और धार्मिक स्थलों के कल्याण के लिए जिनको उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप करके लगातार आपके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ऐसे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मौजूद हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही साहब, आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित पुण्य आत्मा देव तुल्य जिन्हें आप सुन रहे थे, आदरणीय कौशल जी महाराज, रितंबरा जी, बहुत साध्वी जी, और मंच पर मौजूद हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विधायकगण, क्षेत्र हमारे नगर पालिका मेयर साहब और तमाम यहाँ गणमान्य मौजूद और उपस्थित, बहुत बहुत सम्मानित प्रणाम करते हुए देवतुल्य मेरे संत पुरुष और ब्रजभूमि के बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, बुजुर्गों, मात शक्ति पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी ओर से संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसे पुण्य मौके पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आप सब की ओर से, चूंकि हम भी ब्रज के हैं, फिरोजाबाद और मैनपुरी ब्रज में ही आता है, ब्रज की धरती पर आप सब की ओर से ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने लगातार आपके बीच जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में आकर के न सिर्फ ब्रज की रज को पवित्र किया है, बल्कि ब्रज के कल्याण के लिए, ब्रज भूमि के कल्याण के लिए, खासकर जन्मभूमि और ब्रज तीर्थ जो क्षेत्र है हमारा, उसके कल्याण के लिए जिन्होंने अभूतपूर्व रूप से निर्णय लेकर के आगामी 5 साल के अंदर ऐसा बनाने का सपना किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को श्रेय देने का काम किया है कि आगामी 5 साल में भव्य और दिव्य हमारा ब्रज आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो, चाहे हमारा जन्मभूमि हो, चाहे अन्य स्थान हो, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के अंदर आने वाले सभी तीर्थ स्थल, सभी दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक भव्यता और दिव्यता के साथ दिखाई पड़ेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश को भव्यता और दिव्यता के साथ, चाहे काशी का भव्य स्वरूप हो, भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर हो, उसका चौमुखी विकास कराने का संकल्प हो, या तमाम हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके संपूर्ण विकास करने के लिए, भव्यता दिव्यता देने के लिए जो परिकल्पना की गई, उसको साकार स्वरूप प्रदान करने का काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है
कि भगवान की ही कृपा है। हालांकि भगवान का कल्याण तो कौन करेगा, भगवान अपना कल्याण स्वयं करते हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के रूप में आदर भगवान ने इनको निमित्त मात्र बना दिया है कि लोक कल्याण, हमारा धार्मिक कल्याण, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म और जो हमारी पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार हैं, इनको जीवंत करने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। उसके लिए मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और ख़ास रूप से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन पहले कांवड़ यात्रा का स्वरूप आपने देखा होगा। भगवान शिव के भक्तों को जिस प्रकार से फूलों की बरसात करके हेलीकॉप्टर के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रोत्साहन कई वर्षों से दिया है, उसका परिणाम है क्या सड़कों पर भगवान शिव के भक्तों की कांवड़ यात्रा के रूप में एक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं ब्रज की धरती की ओर से करता हूँ। और जिस प्रकार से आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज जिस प्रकार से सैलाब मथुरा की धरती पर, वृंदावन की धरती पर उमड़ रहा है, अभूतपूर्व सैलाब, ये सब आपकी कृपा, आपकी योजना, आपकी परिकल्पना और आपके प्रयासों का ही फल है। जो संसाधन, जो सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके आपने इसको भव्य और दिव्य रूप देने के लिए संकल्प व्यक्त किया है, उसी का परिणाम है कास्ता का सैलाब भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर उमड़ने का काम हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पर्यटकों का, धर्मावलंबियों का, आस्थावान लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, आपको एक केवल बिंदु आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कोरोना काल के बाद पूरे देश में 70% पर्यटकों की वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर 76% पर्यटकों की वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर आया है। ये निश्चित रूप से इंगित करता है कि आने वाला समय में उत्तर प्रदेश भारत का पहली पसंद का पर्यटक क्षेत्र बनेगा, पहली पसंद का धार्मिक क्षेत्र बनेगा, पहली पसंद के श्रद्धालुओं का क्षेत्र बनेगा। और मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, राजस्व की प्राप्ति के लिए पर्यटन और संस्कृति दोनों ऐसे विषय हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, या चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, त्रिवेणी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, गोरखपुर का मंदिर हो, विंध्यवासिनी हो, नेमिसार हो, या तमाम धार्मिक स्थलों से सजा समरा ऐसा प्रदेश है जिसका अन्य प्रदेशों में ऐसा स्वरूप नहीं है। हम चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के इन संसाधनों का भरपूर उपयोग, भरपूर सदुपयोग, भरपूर सजाने का, संभालने का, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से जोड़ने का जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का, जब भी विदेश की धरती से कोई व्यक्ति घूमने के लिए भारत की धरती पर कदम रखेगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। और देश का भी कोई पर्यटक जब घूमने की दृष्टि से आएगा या श्रद्धा के केंद्र पर आने का मत बनाएगा कोई श्रद्धालु, तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा, ऐसा सपना लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। मैं आप सब लोगों को इस जन्माष्टमी के, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र अवसर पर आप सबकी ओर से, ब्रज की रज रज की ओर से, कड़ कड़ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और उन भव्य और दिव्य आत्माओं का जिनके चरण रस से हम लोग पवित्र हुआ करते हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं जो संत लोग यहां बैठे हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करते हुए, क्योंकि आपके ही प्रताप और प्रसार से भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएँ, भारत के आदर्श और भारत के मूल सुसज्जित हैं, सम्मर्दित हैं, संरक्षित हैं। इसलिए आपके चरणों में, संत समाज के चरणों में अपनी ओर से बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूं। अपने सभी जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत, वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले। मंच पर विराजमान भारत के उज्जवल भविष्य की आशा की किरण परम पूज्य योगी जी महाराज, प्रातः स्मरणीय
पूजनीय संत जन, बड़े भाई आदरणीय कृषि मंत्री शाही जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी, मंचस्थ सभी सम्मानित हमारे साथीगण, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के अवसर पर पधारे हुए सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालु भाई और बहनों, ब्रज की इस पावन भूमि में, राधा रानी की प्रेम स्थली में, समस्त ब्रजवासियों की ओर से आप सबके चरणों में नमन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक खंड काल था जब सुनते थे कि चारों तरफ बहुत धर्म का प्रचार हो रहा था। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज प्रकट हुए, उनके प्रकट होने पे पुनः सनातन धर्म की आगाज पूरे देश और विश्व में हुई। लंबे अंतराल के बाद जब सनातन धर्म लग रहा था कहीं लुप्त ना हो जाए, तो समय समय पे कोई ना कोई महापुरुष पथ प्रदर्शन करने के लिए प्रकट होता है। मैं ये कह सकता हूं, एक कहानी सुना करते थे कि यथा राजा तथा प्रजा। हम समझते ही नहीं थे कि ये क्या मतलब है यथा राजा तथा प्रजा। इसका अर्थ जब हम जाने, जब योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आए, और ये जान गए हम कि जैसा ऊपर बैठा होता है प्रजा की मनोभावना वैसी ही हो जाती है। और इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जहां केवल हजारों में और लाखों में गिनती होती थी, आज वहां श्रद्धालुओं की करोड़ों में गिनती हुआ होती है। जिसे हम अर्धकुंभ कहते थे, वो दुनिया का पूजनीय महाराज जी ने कहा, एक अर्ध कोई नहीं होता, कुंभ तो हमेशा पूरा होता है। पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बन गया, 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आए, किसी को एक कांटा तक नहीं लगा, किसी के एक पैसे की जेब तक नहीं कटी, सब सुरक्षित। इसलिए ऐसा लगता है कि यथा राजा तथा प्रजा। मैं ऐसे अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए पूजनीय योगी जी यहां पधारे हैं। पूजनीय विजय कौशल महाराज जी ने एक ऐसा पवित्र काम किया है। वैसे तो ब्रज में सेवा भावना इतनी है कि यहां एक भी यदि कोई संत और एक भी व्यक्ति यदि कोई भूखा रहता है, तो ब्रजवासी को यदि पता चल जाए तो अपनी थाली की रोटी भी देके ब्रजवासी सेवा करना चाहता है। लेकिन ऐसे समय पर जहां लाखों व्यक्ति रोज श्रद्धालु यहां आते हों, ऐसे समय पर आदरणीय विजय कौशल जी महाराज और उनके शिष्यों ने ये जो पवित्र काम किया है, मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूं। और पुनः हमारे लाला के जन्मदिन पर, क्योंकि मैं तो नंदगाम बरसाने का हूं ना, इसलिए हमारे लाला के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए आज पूजनीय योगी जी पधारे हैं। मैं हृदय से समस्त ब्रजवासियों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, समस्त संतों के चरणों में नमन, समस्त श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे रानी की, राधे रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हम सबके लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबके बीच दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दे रही हैं। आपसे अति आदर के साथ निवेदन करूँगी कि अपनी अमृतवाणी से हमें अभी सिंचित करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन धाम की, जय जयकार जयी भाव से कीजिए। पराजित मनोवृत्तियों से जय नहीं हो पाती, इसलिए जय भाव से गुंजा दीजिए पूरे वातावरण को।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, अखंड भारत की, यमुना मैया की, श्री गो माता की, अन्नपूर्णा मैया की, जय जय श्री राधे। आज हम सब धन्य हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने मध्य पाकर, हम सब धन्य हैं। हम सोचते थे कि दंडनियों को दंड कब मिलेगा और वंदनियों का वंदन कब होगा। योगी जी आए, दंडनियों को दंड मिला और वंदनियों का वंदन हुआ। हम सोचते थे कि दुर्जन भय युक्त कब होंगे और सज्जन भय मुक्त कब होंगे। योगी जी आए, दुष्ट भय युक्त हो गए और साधु भय मुक्त हो गए। जो भूखे नंगे उपेक्षितों की फिक्र करे वो कौन होता है। बातें नहीं करना, कार्य करना है, वो कौन होता है। अमृत के लिए गरल पीने की सामर्थ्य किस में होती है। गंगा और नर्मदा की चुटीली धारों को झेल जाने की सामर्थ्य किस में होती है। समय के क्रूर थपेड़ों को सह जाने की सामर्थ्य किसकी होती है। उसकी होती है जो अंदर से साधु हो जाता है, त्यागी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। सुनाम धन्य मुख्यमंत्री जी सौभाग्यशाली हैं, अपने सद्गुरुदेव की सन्निधि में वो ऐसे ऐसे तराशे गए, निखरे वो प्रतिकूलताएं, बहुत बहुत प्रतिकूलताएं, उन सब के बीच में निखर कर आए हैं वो। मैं अक्सर कहा करती हूँ, पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। और आज हर स्थिति में, हर स्थिति में जो स्थित रहे सत्य उसको कहते हैं, और जो अमृत के लिए गरल पी सके शिवत्व उसे कहते हैं। हम सब धन्य हैं, ऐसा नेतृत्व पाकर हम धन्य हैं। मैं यहाँ पूज्य संतों को प्रणाम करती हूँ, मंच पे बैठे बहुत बहुत प्रतिष्ठित मंत्रालयों को संचालित करने वाली शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रणाम आज मुझे मंगलमय परिवार को करना है, जिन्होंने महाराष्ट्री की एक संकल्प को, एक इच्छा को, देखो समस्याओं को तो सब रोते हैं, लेकिन जो समाधान बनकर आता है वो वंदनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। मेरा सारा व्रज धन्य हो, कृतार्थ हो। वो असली धर्म के संवाहक हैं जो शीश पर पोटली लेकर चलते हैं। वो किसी साधु महात्मा या किसी महंत के 5-स्टार शिविर में अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमें निवास मिलेगा। और जो ऐसी व्यवस्थाओं में रहते हैं वो अपने गुरुओं को शिकायत करते हैं कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, भोजन ठीक नहीं बना है। धर्म उनसे संचालित नहीं होता, धर्म तो उनसे संचालित होता है जो शीश पर पोटली लेकर आता है, सड़क के किनारे सो जाता है, बिहारी जी का दर्शन करके धन्य हो जाता है, यमुना जी में डुबकी लगा के कृतार्थ हो जाता है। उनकी फिक्र की गई है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि मुख जैसा निष्पक्ष समाचरण जो करता हो, और नख से शिख तक अंग अंग को हष्ट पुष्ट करता हो, वो कौन है। हमें नेतृत्व मिल गया है ऐसा, हमने राज्य अपना काम करेगा, मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हमारे आदरणीय शैलजा कांत जी ने इतना सुंदर वास्तु स्थापित कर दिया। लेकिन महाराष्ट्री ने कहा, विजय कौशल जी महाराज ने कहा कि राज्य ही अपना काम नहीं करेगा, राष्ट्र भी अपना काम करेगा। राज्य और राष्ट्र का जब मिलन होता है तो इसी तरह के सृजन होते हैं, धन्यता का बोध होता है। वाणी को विराम दूंगी। जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दीदी माँ, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। और इसके पश्चात हम बहुत ही आदर से अनुरोध करेंगे, हमारे बीच परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी हैं, आपके उद्बोधन से, आपकी अमृत वाणी से हमको अभिसिंचित कर हमें कृतार्थ करें। और
दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, आप सभी अपनी जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें। भारत माता की वंदे। वज्र की यह पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में आज एक नए आयाम को, नए सृजन को मूर्त रूप देने के लिए मंच पर विराजमान परम तपस्वी यशस्वी भारतीय संस्कृति परंपरा मूल्य आदर्श के मूर्त रूप यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस संत की संकल्पना ने एक दायित्व के साथ इस कार्य का निर्वहन का जो दायित्व लिया, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, इस मंच पर विराजमान सभी उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित ऊर्जावान यशस्वी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य विभिन्न दायित्वों में संलग्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण हमारे मंच के सम्मुख इस पवित्र भूमि को, इस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने वाले ऐसे दिव्य संत, ऐसे दिव्य संतों के चरणों में, आपके पावन चरणों में नमन वंदन प्रणाम, और सम्मुख सभी विराजमान मंगलमय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र भूमि के सभी सम्मानित बंधुओं भगिनियों, जब इतिहास बन रहा होता है, बहुत लोगों को दिखता है, बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं कि जब देश में परिवर्तन हो रहा था, जब इतिहास बन रहा था, उस समय तो हम भी थे। तो यह समय इतिहास बनते हुए देखने का नहीं, उस इतिहास बनते हुए समय पर इतिहास घड़ने के लिए स्वयं उसमें अपने आहुति प्रदान करने का है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, सही बात है, तीर्थ का जो स्वरूप है वह हमारे गांव से होकर के, खेत खलिहान और सुदूर क्षेत्रों से होकर के वह इन तीर्थस्थलों में आता है, जो सर पर गठरी, अपने झोले पर अपना साधन, सीमित साधन होते हुए भी श्रद्धा के वशीभूत होकर के इन तीर्थों के दर्शन करते हुए हर कंकड़ पत्थर, हर भूमि पर जहां वह भगवान का साक्षात रूप देखता है, उन लोगों के लिए सुविधा की व्यवस्था, यद्यपि विविध आश्रमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाते भी रहेंगे, पर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह भोजन की आवश्यकता, उसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो भवन की व्यवस्था की गई, जिस दिव्यता के साथ में, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ किसी को प्रसाद भी दें तो वह श्रद्धा और भावना के साथ हो, उसकी व्यवस्था के लिए, उस दायित्व के लिए परम श्रद्धेय पूज्य कौशल जी महाराज ने जो प्रयास किया वह बहुत ही स्तुत्य है। मैंने पूज्य महाराज जी के मुख से कई बार महसूस किया है, आचार्य जी मैंने उस अकाल को देखा है, उस अभाव को देखा है, जिसने अभाव अकाल और प्रतिकूलताओं को देखा है वह उन परिस्थितियों को बखूबी समझ सकता है। तो एक पीड़ा उनके हृदय में थी, उस पीड़ा को उन्होंने इस श्रीजी की रसोई के माध्यम से निराकरण करने का महत् प्रयास किया है, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। मैंने पूज्य महाराज श्री से पूछा हमको क्या करना है, महाराज जी ने कहा आपको आना है, और अभी तो बहुत सारे दानियों ने सबने दे दिया है,
और यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको हम सुरक्षित रखते हैं। हमने कहा ठीक है, जब तक चाहो जैसे चाहो रख लो, हम तो आपके ही हैं और हमेशा के लिए ही हैं। और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी चर्चा माननीय मंत्रीगणों ने की, सच मानी है। आदरणीय दीदी माँ ने भी कहा कि हमें लगता है कि वैदिक युग, हमारे जब प्राचीन काल की हम बात करते हैं, इस देश जब हम कल्पना करते हैं कि हमारे राजा न्यायकारी होता था, दुष्टों को दंड मिलता था, सज्जनों की रक्षा होती थी, तो आदरणीय योगी जी को देख करके वह रूप वैदिक काल को जब हम इतिहास में शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसको मूर्त होता हुआ आज हम महसूस करते हैं। पूरा देश आपके ऊपर गर्व करता है और आपने बहुत सारा जो कार्य है वो किया है, बाकी करना है, पर हम सब आपके इन सभी पुण्य कार्यों में सर्वत्मना साथ में खड़े हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, आज इस जन्मभूमि में जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इससे बेहतरीन जो हमारी आज हम अनुभव कर रहे हैं कोई कार्य हो नहीं सकता। भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ब्रज की होली पूरे विश्व में विख्यात है और हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से पिछले वर्षों से यहाँ रंगोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से भव्यता से मनाता आ रहा है। वर्ष 2022 में रंगोत्सव पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक के विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस कॉफ़ी टेबल बुक रंगोत्सव 2022 का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें और हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य ब्रज की होली सिमट के इस कॉफ़ी टेबल बुक में आके अपने कई रंग बिखेरा है। मैं माननीय जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि आज कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर अपने शुभाशीर वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और आप सब मेरे साथ एक बार जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, राधे रानी की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री पूरण प्रकाश जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री विद्यासागर सोनकर जी, मुकेश आर्य बंधु जी, किशन सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, रविकांत गर्ग जी, देवेंद्र शर्मा जी, श्रीमती मधु शर्मा जी, श्री विनोद अग्रवाल जी और इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव, पूरा देश और पूरी दुनिया, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा
आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ अपने आप को जोड़ करके धन्य धन्य करता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस ब्रज भूमि पर हम सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ मंगलम परिवार के द्वारा अन्नपूर्णा भोजनालय के शुभारंभ कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का और पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज का और उनके सभी जो भी शिष्यगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन तिथि को इसके लिए चुना है। भाइयों बहनों, मैं यही बात कर रहा था अभी, अगर आप दुनिया के अंदर आधुनिक जितनी भी सभ्यताएं हैं इनकी जब चर्चा करते हैं तो किसी का 1400 वर्षों का, किसी का 1800 वर्ष का, किसी का 2000 वर्ष का, किसी का 2500, किसी का 2700 वर्ष का अपना एक इतिहास होता है, उसी पर वह गौरव की अनुभूति करता है। जब श्री शैलजाकांत मिश्र जी ने यहां पर, हम लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है, आप वहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक कार्य योजना इसकी तैयार करिए, ये स्वयं भी अमरकंटक में बैठे हुए थे। तो मुझे एक बार अमरकंटक जाने का अवसर मिला था तो मैंने कहा मिश्रा जी आप यहां क्या कर रहे हैं, कहा कि मैं यहां पर अब अवकाश ग्रहण करके आगे के कार्यक्रमों में लगा हूं। मैंने कहा ये आपको यहां बैठने की जगह नहीं, आप ब्रज भूमि में जाइए, पूज्य बाबा देवरा बाबा की पावन भूमि वहां पर जाइए, पूज्य स्वामी हरिदास जी की साधना भूमि पर आप वहां जाइए और वहां पर जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि है उस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखते हुए उसके आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए आप थोड़ा वहां अपना सहयोग दीजिए। तो उनको जब लोगो बनाना था, लोगों में भी उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम का एक अपने आप उद्घोष करते हुए और अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को क्षुण्य बनाए रखने के संकल्प के साथ इस वर्ष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए, यद्यपि वह जगत पिता है लेकिन इस धराधाम पर आकर के अपनी लीलाओं से धर्म सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उनका आगमन आज से 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। यही ब्रज तीर्थ ब्रज क्षेत्र की धरती है, ये वृंदावन है जहां उनकी पूरी लीलाएं घटित हुई। यहां से गुजरात तक आप पूरब में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लेकर के पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, और आज से 5000 वर्ष पहले जब जंगम थे, जंगल थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी भगवान श्री कृष्ण का अरुणाचल से लेकर के और गुजरात तक के पूरे भूभाग पर किस प्रकार का एकाधिकार था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वही मैं कह रहा था कि यही तो है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने और उनके संरक्षण का अभियान, जिसे दुनिया 1400, 2000, 2500, 2700, 3000 वर्षों तक सीमित करती है। और हम तो ये कह सकते हैं कि द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं को इन्हीं क्षेत्रों में आकर के करते हैं। मैं देख रहा था अभी, या जब भी मैं यहां आता हूं मैं देखता हूं नंगे पैर लोग चल रहे हैं, गठरी बांध करके चल रहे हैं, कोई अपेक्षा उनकी किसी से नहीं होती है, केवल एक इच्छा होती है कि हम भी भगवान के लिए अपना कुछ अर्पित करके उनका दर्शन कर लें। एक ही भाव होता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, और इसी भाव के साथ वो आता है और उस पवित्र भाव के साथ यहां पर जिस श्रद्धा भाव के साथ उसने इस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान किया है, उस भाव को
और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज अन्नपूर्णा भोजनालय का शुभारंभ ब्रज तीर्थ विकास परिषद और मंगलम परिवार के संयुक्त तत्वाधान में जब प्रारंभ होता है तो वह सर्वत्र बंदन ही बंदनी होता उसका, और अभिनंदन मैं करने के लिए स्वयं आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज सुबह प्रातःकाल में बलिया में था। आज बलिया बलिदान दिवस है। आज ही के दिन बलिया में 1942 में 50,000 की भीड़ ने जेल के फाटक तोड़ करके, देखिए कितना अच्छा संजोग है कि जेल का फाटक तोड़ करके उस समय के क्रांतिकारी चित्तू पांडे को, राधा मोहन सिंह को, कृपा शंकर चौबे जैसे क्रांतिकारियों को जेल के अंदर से छुड़ा करके और बलिया को स्वतंत्र घोषित किया था। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में और बलिया ने अपने आप को 1942 में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उसके बाद वहां पर अंग्रेजों ने जब पुनः बलिया पर कब्जा किया तो बड़ी क्रूरता ढाई थी, दर्जनों गांवों में आग लगा दी थी, 84 लोग अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे, लेकिन बलिया कभी पीछे नहीं हटा। वो क्रांति की लौ निरंतर जलती रही। तो आज जब मुझे 2 महीने पहले पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज ने अन्नपूर्णा भोजनालय के बारे में अवगत कराया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और मैं 19 अगस्त की तिथि को नोट तो कर लिया, लेकिन इसी दौरान आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बलिया के भी कार्यक्रम के लिए, तो मैंने कहा मैं बलिया के बाद फिर यहां पर आऊंगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि उस समय के क्रांतिकारी भी तो भगवान कृष्ण से ही प्रेरित थे, भगवान कृष्ण ही सबके आराध्य थे। आज हम जो कुछ भी करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो उसके पीछे भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही मंत्र है, उन्हीं का आदेश है और उन्हीं का उपदेश भी है, और उसी उपदेश पर प्रेरणा लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद की समग्र विकास की जो व्यापक कार्य योजना यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ब्रजतीर्थ विकास परिषद लेकर के चल रहा है, वो एक समग्र विकास की है, यहाँ का आध्यात्मिक विकास भी, यहाँ का सांस्कृतिक विकास भी, और आधुनिक विकास के उस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना जो आज की आवश्यकता है, हम कहीं पिछड़ न जाएं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर किस रूप में लेकर के जा रहे हैं, योग को विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करना, 21 जून की तिथि विश्व योग के दिवस के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ जा चुकी है, कुंभ प्रयागराज कुंभ यूनेस्को ने उसे विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, मानवता की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और यही नहीं, विगत वर्ष तो हमें वृंदावन के वैष्णव कुंभ को भी आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देखिए राधे रानी की क्या कृपा थी, इन पूज्य संतों के सानिध्य में जब यहां पर वृंदावन का वैष्णव कुंभ संपन्न हो रहा था, कोरोना की आहड़ थी दुनिया के अंदर, और जिस दिन तक यहां पर पूज्य संतों की उपस्थिति में राधे रानी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ था, तब तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोरोना नहीं था। और जैसे ही संतों के कैंप उठे उसके बाद कोरोना की आहट आती गई, और आपने देखा होगा उसके बाद कितनी भीषण संक्रमण इस महामारी की फैलते हुए दिखाई दी थी। लेकिन हम लोग, ईश्वर की कृपा थी, आप सबका सहयोग था, हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी नियंत्रित किया, बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया, और आज हम लोग इसको लगभग नियंत्रित कर चुके हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आपने देखा होगा अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में गए थे, काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। एक महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु,
और यही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि बनने के साथ ही अयोध्या भी अब एक बार फिर से हमें त्रेता युग की याद को स्मरण कराती है। आज मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधाकुंड, ये जितने भी हमारे पवित्र धाम हैं, तीर्थ हैं, इन सब के समग्र विकास के साथ साथ इनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर उसके लिए लगी हुई है। वो जो संतों के सानिध्य में हम सबको सफलता प्राप्त हो, आज यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माँ के बिहारी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उत्तर प्रदेश वासियों पर, देशवासियों सब पर बनी रहे, और हम एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और देश और प्रदेश की जनता के कल्याण के हित के बारे में सोचते रहें, उनके लिए कार्य करते रहें, इस विश्वास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और यही बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, हम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा सकें। इस भाव के साथ मैं मंगलम परिवार को, अन्नपूर्णा भोजनालय के कार्यक्रम को यहाँ पर सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस पवित्र धाम को और भी पवित्र पहुँचा, पवित्रतम स्तर पर ले जा करके आम जन की भावनाओं को सम्मान दे सकें, उनकी आस्था को एक नई ऊँचाइयाँ प्रदान कर सकें। इस अवसर पर हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, हरिद्वार से हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आए हैं, पूज्य संतों की उपस्थिति, मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी पूज्य संतों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति स्वरूप ये राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रतिमा माननीय को भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य हमारे मध्य उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड से माननीय श्री रविकांत गर्ग जी हैं जो स्मृति चिन्ह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच हमारे ब्रज के ही माननीय विधायक मथुरा वृंदावन श्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। बहुत ही आदर से अनुरोध करूंगी कि अपनी ब्रज की माखन मिश्री जैसी भाषा में धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण, सभी सम्मानित हमारे मंत्रीगण, सम्मानित सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी ब्रजवासी बंधु भगनी, आप सबका हृदय की गहराई से हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप लगातार ब्रज में आप पधारे हैं, भगवान बांके बिहारी जी की असीम कृपा आप पर है और आप यशस्वी हों, हम सब ब्रजवासियों की यही कामना है। और आज हमारे लाला को जन्मदिन है, हम सब या मौके पे ब्रजवासियों की तरफ से प्रदेशवासियों को और पूरी दुनिया में जो हमारे लाला के भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं सबको खूब खूब बधाई। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका एक बार पुनः इस पवित्र भूमि पर एक बार स्वागत, एक बार अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हम इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज इस कृष्ण जन्मोत्सव के इस भव्य
कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति के माध्यम से एक गरिमामयी भव्य आयाम दिया। आप सभी से निवेदन करूंगी कि माननीय का आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें और आप सभी को एक बार पुनः भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ सब लोग जय घोष करेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की।